जब से राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है और इन सबके प्रयासों के बाद भी उसने मना कर दिया, तब से राहुल गांधी के जो, और राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा था कि मैंने त्यागपत्र दिया, किसी और ने इसको संज्ञान नहीं लिया, यह क्लियर संकेत थे कि जिम्मेदार लोग अपने पदों से इस्तीफा दें। मुझे लगता है शायद उनकी अपेक्षा ये रही थी कि राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत भी अपने पद से त्यागपत्र देंगे, वह न होने के बाद और राहुल गांधी के मना करने के बाद मुझे लगता है कि अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। उसके आधार पे बार बार उस दिन बजट के बाद भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा और बाकी जगह भी कह रहे हैं कि मुझे जनता का प्यार मिला, जनता ने मुझे चुना। यदि जनता ने चुना होता केवल, तो फिर अपनी विधानसभा में, लोकसभा चुनाव में अपने बूथ पर भी वो माइनस रहे, और इसका मतलब केंद्रीय संसदीय बोर्ड इनका कुछ नहीं है। और सचिन पायलट और दोनों मिलकर जो वहाँ दिल्ली में जो 12 दिन तक इनके आपस में उछल कूद चली, इसका मतलब वो निरर्थक थी। इस प्रकार के वक्तव्य देना मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को गर्मा रही है, अपने आप को असुरक्षित अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हमें भी लगता है जो बजट कल प्रस्तुत किया, वापस उस बजट को लागू कौन करेगा, ये हमारे मन में भी संशय उठ रहा है। निश्चित रूप से जब से राहुल गांधी ने अपना त्यागपत्र न लेने का निर्णय किया, कांग्रेस के अंदर खुली तरह भगदड़ मच गई है। हर स्टेट के लोग कांग्रेस के जो पुराने हैं और नए हैं अपने आप को राजनीति में असुरक्षित पा रहे हैं। इसको लेकर के गोवा के 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी में आ गए, कर्नाटक में भी पिछले कई दिनों से चल रहा है, बाकी राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं अपना ले रही है परिवेश। मुझे लगता है इसका असर राजस्थान में भी हुए बिना रहेगा नहीं। किस करवट ऊंट बैठेगा, इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नहीं, भाजपा की नीतियों को यदि वो स्वीकार करते हुए आते हैं तो हमें क्या आपत्ति है। हम कोई उनको कोई प्रलोभन दे नहीं रहे, हमारी ओर से प्रयास नहीं करें। यदि वो मोदी जी के द्वारा राष्ट्रवाद की नीतियों को स्वीकार करते हैं, आम जन के विकास को, सबका साथ सबका विकास स्वीकार करते हैं, और जो हमारी बीजेपी का हमारे विभिन्न समाजों के लिए जो सोच है उस पर वो सहमत हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा कांग्रेसीकरण नहीं होगा, उनका भाजपा ही करण होगा। आपको लग रहा है कि राजस्थान में ये भी हो सकता पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर भी ना नेता है ना नीति है, अगर दोहरा मापदंड दिख रहा है, अगर आते हैं तो राजस्थान में मैं लगता हूँ इसको समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी उथल पुथल चल रही है। मैं तो बहुत पहले ही, चुनाव के पहले ही कहा था कि कांग्रेस के अंदर 23 मई के बाद उथल पुथल होगी, वो सत्य साबित हो रही है।